नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट एडल 10 के बारे में, जो कि आपका जो है एलर्जीज में दिया जाता है, अस्थमा में दिया जाता है, जो कि एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्च अप्रैल मई वाला ये जो मौसम है, जिसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा में अधिकतर मिल जाते हैं, और जो है वीट की हार्वेस्टिंग इस मौसम में होती है, तो क्या होता है कि आप लोगों को जो है एलर्जीज रहने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो पोलन्स हैं ये आपके एयर के थ्रू आपके पास आते हैं, आपके मुंह या नाक के रास्ते से अंदर जाते हैं, और इससे क्या हो सकता है, आप लोगों का जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक तो आपका नोज़ जो है वो वॉटरी रहना शुरू हो जाता है, और अगर ये आइज़ पे जाए तो आइज़ का जो वॉटरी रहना जो है शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं एलर्जिक रेनाइटिस। और इसके और जो सिम्टम हैं वो क्या होते हैं कि आपको एलर्जिक अस्थमा जो है वो हो सकता है, एलर्जी के कारण हुआ हुआ अस्थमा जो है उसे हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको जो है ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो जाती है, और पेन रहना शुरू होता है, या फिर आपको चेस्ट जो है वो कंजस्टेड लगती है, और इसके साथ ही जो है दोस्तों आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी रहने लगती है, सफोकेटिव फील होता है, और इसके साथ ही जो है आप जो है इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब ऐसे मौसम में क्या होता है दोस्तों, आपको हे फीवर आता है। हे फीवर यानी कि आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज कर सकता है, फीवर आ सकता है, और साथ ही एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। दोस्तों, ऐसे केसेस में अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो रात को ज़्यादा होती है, और आपको रात को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आप लोगों को पूरी रात जागना भी पड़ सकता है। ये मिडनाइट के बाद अधिकतर शुरू होता है। पेशेंट को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक और बात बता दूं कि अस्थमा जो है वो किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसमें जो है एंजाइटी या डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि जब आप अपने मन में बहुत कुछ दबा के बैठे होते हैं ना, डिप्रेसिव फील कर रहे होते हैं, एंजाइटी रह रही होती है, उस टाइम में आपको जो है सांस की जो दिक्कत है हो सकती है, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। ये बहुत ही आम बात हो गई है आजकल के लिए। जब आप अपनी डिप्रेशन या एंजाइटी को टैकल कर जाएंगे ना, जब आप उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकल जाएंगे, आपको अस्थमा में जो है रिलीफ देखने को मिलेगा। जितना जल्दी हो सके अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें, बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड पे आ जाएं, ताकि आपको अस्थमा के सिम्टम्स में जल्द से जल्द रिलीफ देखने को मिले। इसके साथ ही जब ये पोलन जो है अटैक करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्किन सिम्टम्स भी जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपके रैशेस आ जाएंगे, आपको इचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्किन पे एक्जिमा आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, वो है एडल 10। अब आइए जान लेते हैं कि एडल 10 के कंटेंट्स क्या हैं और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है एमी विस्नागा नाम की एक दवाई डली हुई है। ये क्या करती है, आपके मसल्स को जो है वो स्मूथ करती है, और जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करती है, अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही दोस्तों, ये आपकी एंजाइटी को भी कम करने में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, इससे अगली जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है अरेलिया रेसिमोसा। अरेलिया रेसिमोसा जो है वो ड्राई कफ के दौरान बहुत अच्छा काम करती है, अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करती है, हे फीवर में बहुत अच्छे से काम आती है। दोस्तों, यह जो मेडिसिन है ये स्नीजिंग और जब आपका नोज़ अगर वाटरी रहता हो या आईज़ अगर आपकी वाटरी रहती हो तब बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इससे अगली अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो है एरियोडिक्टियन कैलिफोर्नियम, जो कि दोस्तों स्नीजिंग के टाइम पे या कफिंग के टाइम पे दी जाती है, और साथ ही अगर आपको वीजिंग की दिक्कत हो, वीजिंग क्या होता है, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ में एक
विस्लिंग की आवाज़ आती है, ये जो विस्लिंग की आवाज़ है ये आपके लंग्स की उसमें से आ रही होती है, क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी हो रही होती है ब्रीदिंग में, और इस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, विजिंग होना। तो ये जो मेडिसिन है ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है, और साथ ही आपके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं उनमें बहुत रिलीफ देती है। इससे आगे अगर हम बात करें, कोबाल्टम नाइट्रिकम एक मेडिसिन है जो कि आपके हेडेक में काम आती है, या आपके वाटरी आईज में या स्नीजिंग में काम आती है, और साथ ही जो है आपको एंजाइटी से रिलीफ देती है। यह मेडिसिन जो है अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है या हेडेक रहता है तब भी उसमें काम आती है। इससे अगली अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ग्रैंडेलिया रोबस्टा जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन के सिम्टम्स के लिए। अगर स्किन में खारिश हो और ब्लिस्टर्स हो जाएं, या फिर कफ, कोल्ड और फीवर रहते हों, और साथ ही आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हो, तब हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। इससे अगली जो मेडिसिन है वो है लेक्टुआ विरोसा। ये जो मेडिसिन है ये आपकी डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग में दी जाती है, और साथ ही यदि आप सफोकेटिव महसूस करते हैं या कफ जो है वो ज़्यादा हो तब दी जाती है। दोस्तों इससे अगली जो मेडिसिन है वो है फॉस्फरस। फॉस्फरस जो है वो आपकी अगर होर्सनेस हो रही है गले में और आपके कफ होती है और साथ ही दर्द रहता है उस समय पे इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें डली है डेक्टिलोपियस कोकस जो कि अस्थमा के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि एडल्ट 10 जो है वो आपके एलर्जिक राइनाइटस या हे फीवर के सिम्टम्स में किस तरीके से काम करती है, और अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम्स उनमें किस तरीके से रिलीफ दिलवाने में हेल्पफुल होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोसेज के बारे में। इसकी डोसेज कुछ इस प्रकार होती है कि आप दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये जो है आपकी डिपेंड करती है कि आपकी जो सिवेरिटी है बीमारी की, सिम्टम्स की, वो कितनी है, उसके हिसाब से ही जो है डोसेज जो है सिलेक्ट की जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।